अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन आपको कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आपका धर्म है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इसलिए शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकाला करो, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तब वह रिश्ता ही न बचे। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा और जो कल होगा वह आज नहीं है, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना अटल सत्य है। अपनी परेशानी के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखो, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं इस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। संतुष्ट मन इस संसार का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि असंतुष्ट मन आपको विचलित करता रहेगा और आपको अशांत रखता रहेगा। याद रखो, मन शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे भी वश में किया जा सकता है। आप अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके चिंता से परिणाम बदलने वाला नहीं है, और जो होना है वह होकर रहेगा। इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। मन चाहे तो किसी को अपना बना सकता है और मन चाहे तो किसी को पराया कर सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल पैदा कर देता है। याद रखो, परपन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। उसका जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, और व्यक्ति के कर्म ही उसकी पहचान है, क्योंकि एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा है वही तुम्हारा धर्म है। जब तुम अपने कार्य में आनंद खोज लेते हो तब वह अवश्य पूर्ण होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत किया करें। आप जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसलिए अपने ज्ञान की तलवार से, अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को दूर रखो। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना अति आवश्यक है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी
इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जो नकारात्मक लोगों के संगत में रहते हैं। प्रायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है।